स्वागत है आपका। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज की शुरुआत जो है वो होने वाली है 12 जनवरी से। लेकिन इस सीरीज से पहले दोस्तों यहां पर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है टीम इंडिया के लिए, जहां पर एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी को जो है वो इस स्क्वाड से बाहर किया गया है और अब उसका रिप्लेसमेंट भी जो है वो बुला लिया गया है। तो दोस्तों कौन है वो खिलाड़ी, कौन है रिप्लेसमेंट, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 जनवरी से 3 ओडीआई मैचों की सीरीज की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए इंडिया ने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट जो है वो पहले ही कर दिया था, जहां पर दोस्तों ऋषभ पंत को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी। लेकिन यहां पर दोस्तों एक और बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है और आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इस स्क्वाड से बाहर हुए हैं। रीजन की अगर बात करें तो दोस्तों बहुत ही समय से लगातार जसप्रीत बुमराह खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, और इसलिए दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह को जो है वो दिया गया है रेस्ट। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो इस स्क्वाड से बाहर हुए हैं, उन्हें रेस्ट दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों न्यूजीलैंड में जो ओडीआई और टी20 मैचेस होने वाले हैं वहां से भी जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, जहां पर बिना जसप्रीत बुमराह के इंडिया जो है वो खेलने वाली है। बात करें दोस्तों इनके रिप्लेसमेंट की, तो मोहम्मद सिराज को जो है वो टीम में शामिल किया गया है एज अ रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है ये कि जसप्रीत बुमराह को जो है वो रेस्ट दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए, और जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट होंगे मोहम्मद सिराज। दोस्तों बात करें अगर स्क्वाड की, तो स्क्वाड का अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी है बीसीसीआई, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, शिखर धवन और अंबाती रायडू, ये है बैट्समैन। इनके अलावा दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी, दो है विकेटकीपर बैट्समैन, हार्दिक पांड्या, केदार जाधव और रविंदर जडेजा, ये 3 ऑलराउंडर, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, ये 2 स्पिनर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज, ये है 4 फास्ट बॉलर। तो दोस्तों ये है पूरा टीम इंडिया का स्क्वाड जो कि 3 ओडीआई के लिए अनाउंस किया गया है। यहां पर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देकर मोहम्मद सिराज को जो है वो टीम में लेके आया गया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, जसप्रीत बुमराह के बिना क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा पाएगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।